नमस्कार दोस्तों, जब सब्जी और रोटी खानी हो लेकिन कोई ढंग की सब्जी समझ में ना आ रही हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक घरेलू जुगाड़ वाली रेसिपी। हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल काठी रोल, वो भी जो घर में मौजूद सामान होता है उन्हीं चीजों के साथ। आसानी से बनेगा और बच्चे रोज खाएंगे और आप भी रोज देंगे, क्योंकि ये होगा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी और डिलिशियस भी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, घर में जो मौजूद होती है उनमें से कुछ सब्जियां ले लेंगे हम। पत्ता गोभी ले ली है थोड़ी सी, हरा धनिया ले लिया है थोड़ा सा, प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिया है। इसके सिवा आप स्वीट कॉर्न के सीड्स आते हैं वो ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, गाजर हो तो गाजर भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट, आपके पास घर में जो सब्जियां अवेलेबल है वो आप थोड़ी थोड़ी ले लीजिए। अब धनिया जो है उसको बारीक सा काट लेंगे, पत्ता गोभी जो है उसकी लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप बना लेंगे, अनियन की भी लंबी पतली स्ट्रिप बनानी है और टोमेटो की भी। उसके सिवा मैंने ले लिए हैं अपनी फैमिली के हिसाब से थोड़े से उबले हुए आलू। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा जितने आपको महसूस हो उतना ले सकते हैं। उबले हुए आलू के हम छिलके उतार देंगे और इनको एक बाउल में मैश करके साइड में रख लेंगे। आलू बिल्कुल अच्छी तरह से जब मैश हो जाते हैं तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स। अब चिली फ्लेक्स जो है दोस्तों, वो मोस्टली हम पिज्जा मंगवाते हैं तो आता है, हमारे पास बचा हुआ पड़ा ही होता है, वही डालना है हमको, स्पेशली लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर या फिर हरी मिर्च के टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। उसके सिवा हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ओरेगेनो। ओरेगेनो भी दोस्तों हमारे पास पिज्जा आता है तो उसका एक्स्ट्रा पड़ा ही होता है, अगर है तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर यहाँ पर आप दो से चार कली हमारे जो लहसुन आता है उसका मोटा मोटा कूटकर यहाँ पर डाल सकते हैं। ये ले लेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, जितना आपको कम ज्यादा पसंद है उस हिसाब का। लास्ट में आधा चम्मच जितना साबुत जीरा। उसके बाद हमने जो बारीक कट कर रखा था हरा धनिया वो भी डाल देंगे और अब इन सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त हम नमक भी चेक कर लेंगे, अगर कम आपको लगता है तो वो भी आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर मिक्स कर लीजिए। अब दोस्तों, मैंने ले लिया है गेहूं का आटा जो हम रोटी के लिए रेडी करते हैं। आप जिस तरह से भी करते हो, नमक डालकर, तेल डालकर या कुछ भी डाले बिना, जिस तरह से आप वो आटा रेडी करते हो बस वही आटा आप रेडी कर लीजिए और इसमें से छोटा सा हिस्सा लीजिए और इसमें से अब हमको बिल्कुल पतली और बड़ी साइज की रोटी बेल लेनी है। आटे से जो हिस्सा लिया था उसकी जैसे कि आप देख रहे हैं हल्की सी मोटी, मतलब ना ज्यादा ना पतली ना ज्यादा मोटी, उस तरफ की मैंने रोटी इसकी बना ली है। अब मैंने एक तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, उस पर हम ये रोटी जो है उसको डाल देंगे। दूसरी साइड पहले तो इसको पलट लेंगे और आंच को मीडियम रखते हुए अब हम थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसको पराठे की तरह गुलाबी सेक लेंगे। जैसे ही हमारी रोटी जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ओर से पराठे की तरह सिक चुकी है तो अब हम इसको गैस से उतार लेंगे। अब सबसे पहले हम इस पर एक लेयर बनाएंगे मेयोनीज की, नॉर्मल मेयोनीज या चीज मेयोनीज कोई भी यहाँ पर चलेगा। अब इसको हम चम्मच की मदद से पूरे में सबसे पहले तो इक्वली स्प्रेड कर लेंगे। मेयोनीज एक तरफ से सब जगह स्प्रेड करने के बाद अब हम यहाँ पर जरूरत के हिसाब से डालेंगे टोमेटो सॉस, उसको भी हम इक्वली सभी जगह पहले तो स्प्रेड कर लेंगे। टोमेटो सॉस इक्वली बिछाने के बाद मैंने ले ली है एक चीज स्लाइस और उसको मैंने दो हिस्से कर यहाँ पर सेट कर दी है सेंटर में। चीज डालने के बाद हमने जो आलू का मिश्रण लिया था उसको हम जरूरत के हिसाब से एक पतला सा रोल करके यहाँ पर इसी तरह से सेंटर में फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो लंबा और पतला प्याज काट के रखा था वो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पूरे में एक बराबर बिछा देंगे। उसके बाद हमने जो पत्ता गोभी काट कर रखी थी वो भी इसी तरह से हम इस पर अच्छी तरह से बिछा देंगे।
लास्ट में हम यहाँ पर हमने जो टमाटर भी पतले पतले काट कर रखे थे उनको भी इक्वली स्प्रेड कर लेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हमने सारा सामान फिल कर लिया है, उसके बाद अब हमें इसको अच्छी तरह से दबाकर इस तरह से सबसे पहले तो इसको बंद कर देना है। उसके बाद अब हमने ये जो रोल बनाया है उसको जहां से हमने मुड़ाया था उस साइड से एक बार फिर से तवे पर मीडियम आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। पलटे की मदद से हल्के हाथ से इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी हल्का सा प्रेस कर इसको गुलाबी रंग का सेक लेंगे। रोल दोनों ओर से जब गुलाबी सिक जाए तो इसको हम नीचे उतार लेंगे। रोल को मैं रख रही हूँ एक बटर पेपर या फिर आप सिल्वर फॉइल यूज करते हैं तो उसके ऊपर रख लीजिए। उसको दूसरी तरफ से इस तरह से मुड़ा दीजिए, उसके बाद इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि खाते वक्त इससे आसानी रहेगी और इसमें जो मटेरियल फील किया है वो भी गिरेगा नहीं। हम जो खाते हैं वही सब्जियां और वही रोटी दोस्तों, लेकिन बस खाने का, पकाने का और परोसने का तरीका जो है वही अलग है दोस्तों। मैंने आपके सामने परोस दिए हैं हमारे घरेलू जुगाड़ वाले काठी रोल और वो भी तीन तरह के सॉस के साथ में। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। अगर आपके पास पनीर है घर में तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने तरीके से, अपने हिसाब से आप चाहे वो इसमें कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, साथ ही में वो हर रोज डिमांड करेंगे, आप भी बनाकर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता। ट्राई करिए, कैसा बना बताइए। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो औरों के साथ शेयर करिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।